नमस्कार भाइयों, राम राम भाइयों। हाँ, आपने चैनल में स्वागत करूँ भाइयों। थे आप भी देखा हमारे चैनल ने सब्सक्राइब ना करे है तो भाइयों थे फटाक सब्सक्राइब करो मेरे चैनल ने। नीचे एक रेड कलर को बटन में बटन ने दबाओ, फिर एक घंटे जरूर दबाओ तो रंगठे के इंसान से लाइक करो वीडियो, ठीक है, और फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करो। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी फीमेल लेकी है। तो दोस्तों आज कई लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, नए लोगों ने सब्सक्राइब किया है दोस्तों, उनको पता नहीं है। तो दोस्तों इसका नाम है लेकी, ठीक है, इसका नाम लेकी फीमेल, ये लेकी है और फीमेल है ये, इसने बच्चे भी दिए हैं एक बार, और ये बहुत अच्छी फीमेल है, देसी फीमेल है, ये स्ट्रीट डॉग भी कहते हैं पर असली नस्ल इनकी देसी कुत्ता नाम है, तो देसी डॉग है। तो इस फीमेल को आप ध्यान से देखें पहले दोस्तों, ये किस क्वालिटी की है आपको दिखा भी देता हूँ आराम से। तो दोस्तों आदेशी फीमेल है, इनके पंजा देख सको थे, बहुत ही बढ़िया फीमेल है और अच्छी फीमेल। आज वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है तो मैं ही बनाऊं भाइयों, तो थे देख सको। तो भाइयों मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हो, कहाँ के हो। तो भाइयों मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में नोहर नाम सुना है, नोहर तहसील है, उसके अंदर अरड के गाँव में वहाँ से हूँ भाइयों मैं, ठीक है। तो दोस्तों और ये बहुत ही अच्छी फीमेल है देसी। तो दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, विदेशी कुत्तों को तो हम सब लोग पालते हैं, विदेशी कुत्ते कौन से होते हैं, जर्मन शेफर्ड डॉग विदेशी है, विदेश से आई हुई है, रॉटवाइलर डॉग, पिटबुल डॉग, ये पोमेरेनियन डॉग है, और ये रॉटवाइलर डॉग, बुली कुत्ता, ये सारे विदेशी कुत्ते हैं, ये सारे विदेश से आए हुए हैं, और लोग पिटबुल कुत्ते, ये पिटबुल कुत्ते और सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे विदेश से आए हुए हैं और विदेश के कुत्ते हैं। हमारे भारत की सबसे बढ़िया नस्ल है देसी कुत्ते ये। तो देख सकते हैं दोस्तों ये देसी कुत्ते बहुत ही अच्छे देसी कुत्ते हैं। तो दोस्तों पहले राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे, इन देसी कुत्तों को पालते थे, राजा महाराजा जंग लड़ने जाते थे तो भी इन देसी कुत्तों को ले जाते थे साथ में, ठीक है। तो दोस्तों पहले राजा महाराजा इन देसी कुत्तों को पालते थे, फिर क्या हुआ हमारे भारत देश में विदेशी कुत्ते आ गए तो लोग इन विदेशी कुत्तों को पालने लगे। तो मैं सारे भाइयों को कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि भाइयों विदेशी कुत्तों को तो हम सब लोग पालते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता आप विदेशी कुत्तों को मत पालो, आप विदेशी कुत्तों को भी पालें और इन देसी कुत्तों को भी पालें। दोस्तों एक सही बात बताऊं कि आपको, ये एक देसी कुत्ते है ना, ये बहुत ही बढ़िया डॉग है देसी कुत्ते, ठीक है। विदेशी कुत्ते में हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, विदेशी कुत्तों को पेडिग्री, रॉयल कैनल, बाहर का खाना देते हैं हम लाकर उनको, उनको बैठने का खाने का सामान पूरा टोटल बाहर से, उन पर लाखों रुपये हम खर्च करते हैं। और ये देसी कुत्ते हैं हमारे, ये हमारे घर का खाना खाकर खुश है, ये घर की हमारे रोटी खा लेंगे, दही खा लेंगे, छाछ खा लेंगे, उससे ये खुश रहेंगे, ठीक है। और ये सर्दी में भी बाहर रह सकते हैं और गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे हैं। और ये इन कुत्तों पर कोई खर्चा नहीं करना होता, ये बाहर का खाना कभी भी नहीं खाते कुत्ते, आप देंगे तो खाएंगे, आपके पास पैसा है तो दो इनको, ठीक है। इन और ये घर का खाना खाकर बहुत ही खुश कुत्ते हैं। और दोस्तों इन कुत्तों की एक बहुत ही खुशी की बात बताऊँ कि आपको, विदेशी कुत्तों पर हम लाखों रुपए लगाते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको चीज़ें सिखाने के लिए। और दोस्तों ये कुत्ते बहुत अच्छे हैं, विदेशी कुत्ते एक चीज़ को विदेशी कुत्ते 10 दिनों में सीखते हैं ना, तो ये 5 दिनों में सीख जाते हैं। इस मेरी फीमेल को पूरी ट्रेंड की हुई है मेरी। और दोस्तों विदेशी कुत्तों को हम सिखाते हैं तो 2-3-4 महीने लग जाते हैं, और ये कुत्ते एक चीज़ को 10-12 दिनों में सीख जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको एक बार मैं देसी फीमेल दिखा भी देता हूँ लेकिन फीमेल, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे पक्के। और दोस्तों मैं कैमरा ला रहा हूँ इधर, आज वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, इंद्रपाल भाई होते हैं वो नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों देसी कुत्तों की हाइट, इस मेरी फीमेल की हाइट देखे कितनी अच्छी हाइट है इस मेरी फीमेल लेकी की, देख सकते हैं हाइट देखें इसकी, बहुत अच्छी फीमेल है।